राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने के बाद लोक संचार के लिए निकल पड़ते हैं और जगह जगह घूमकर लोगों को उपदेश दिया करते हैं और अच्छे विचारों को बांटा करते थे। वे लोगों के जीवन के दुखों को दूर किया करते थे और उनकी बातों को सुनकर लोग बहुत खुश भी हो जाया करते थे, इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद भी करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें उल्टा सीधा गालियां देने लगा और उन्हें ढोंगी बताया। यह सब सुन लेने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांत रहे और चुपचाप अपने उपदेश पे जुट गए। ऐसे में उस व्यक्ति ने फिर से गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी गालियां दी और उनके पूर्वजों के बारे में भला बुरा कहने लगा, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध शांत बैठे थे। यह सब देखकर उनके शिष्य और आसपास मौजूद लोग अचरज में पड़ गए और सोचा कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ देर बाद वह व्यक्ति अपने आप ही शांत हो गया। उसके शांत हो जाने के बाद बुद्ध ने कहा, अगर कोई हमें तोहफा देता है तो ये हमारे ऊपर है कि उसे हम लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर हम उसे अपना लेते हैं तो वह हमारे पास आ जाता है, वही अगर हम उसे नहीं अपनाते तो वह उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने वह तोहफा दिया था। उसी प्रकार इस व्यक्ति द्वारा दिया गया अपशब्द स्वीकार करना या ना करना मेरे ऊपर है। हमें कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, हमें हमेशा शांत होकर सही या गलत के बारे में विचार करके प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इससे बुरी से बुरी बातें टल जाती हैं और मुसीबतों से छुटकारा भी मिलता है। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। गौतम बुद्ध उसे माफ किया और फिर आगे बढ़ चले। जिंदगी हमें सब कुछ देती है, कुछ भी स्वीकार करना या ना करना यह हमारा पसंद और नापसंद पे है। हमें जीवन के लिए अच्छी चीजों को स्वीकार करना चाहिए, ऐसी चीजों को अस्वीकार भी करना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है। और यह भी है कि दूसरों द्वारा किया गया अपमान सच में हमारा अपमान होता है। आप अपमानित तब होते हैं जब आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आपका कोई अपमान करे तो उसे आप एक अच्छी प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसे करने से आपका अपमान नहीं होगा, लेकिन अगर आप बुरी प्रतिक्रिया दोगे तो जरूर आपका अपमान होगा। इसीलिए कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले दो बार जरूर सोच लीजिए। दूर जंगल में पीलू चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी और किराया नहीं दे पाती थी। इस वजह से एक दिन उस घर का मकान मालिक वहाँ पर आया और उसे धमकाते हुए कहा, तुम अगर किराया नहीं दे सकती तो घर खाली करो अभी। पीलू चिड़िया के पास और कोई रास्ता नहीं बचा, आखिर में उसे अपना घर खाली करना पड़ा। अब पीलू चिड़िया और उसके बच्चे के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। फिर पीलू चिड़िया ने एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया और अपने बच्चे के साथ वहाँ रहने लगी। एक दिन पीलू चिड़िया का बेटा उसे बोलता है, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। अपने बच्चे के खाने के लिए उड़ के जाती है और पड़ोस के एक पंछी से बोलती है, काका काका मुझे कुछ खाने को दीजिए ना, मेरा बेटा बहुत भूखा है। इस पर काका जोर से डांट के कहता है, कहीं और जाके खाना मांगो, यहाँ फ्री फंड में कुछ नहीं मिलेगा। पीलू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है, फिर एक खेत में जाती है और कुछ दाना चुनकर अपने बच्चे को लाके देती है, जिससे उसके बच्चे का पेट थोड़ी देर के लिए भर जाता है। लेकिन पीलू चिड़िया को अगले दिन की चिंता सताने लगती है। वो सोचती है, अरे आज तो काम हो गया, लेकिन कल मैं अपने बेटे को क्या खाने को दूंगी। अगले दिन पीलू चिड़िया अपने बच्चे के साथ जंगल में जाती है और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। वो अपने बच्चे से कहती है, बेटा आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता, पहले सब एक दूसरे की मदद करते थे। ऐसा कहकर वो लोग दाना ढूंढने लगते हैं। तभी पीलू चिड़िया को एक साधु तपस्या करते दिखते हैं। साधु तपस्या में बहुत मग्न थे और तभी वहाँ पर एक सांप आता है। सांप साधु की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा देखकर पीलू चिड़िया और उसका बेटा घबरा जाते हैं, लेकिन किसी तरह से पीलू चिड़िया हिम्मत करके एक पत्थर उठाती है और उस सांप पर जोर से मार देती है। सांप चोट खाकर वहाँ से भाग जाता है और तभी साधु की आँख खुलती है। साधु पीलू चिड़िया और उसके बच्चे को देखते हैं और पीलू चिड़िया से कहते हैं,
बेटी तूने आज मेरी जान बचाई है, आज के इस घोर कलयुग में कोई किसी की मदद नहीं करता, बोल तुझे क्या चाहिए। पीलू चिड़िया साधु से कहती है, महात्मा जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई घर नहीं है ना ही खाने के लिए कुछ है। ऐसा सुनकर साधु महात्मा कहते हैं, बेटा मैं तुझे ये जादुई मिट्टी दे रहा हूँ और ये जादुई बीज दे रहा हूँ, इस मिट्टी से तू अपना घर बना ले और इन बीजों से फल उगा जो तेरे जीवन यापन में मदद करेंगे। फिर पीलू चिड़िया उस जादुई मिट्टी से अपना एक बहुत सुंदर घर बनाती है और जल्द ही उसके बोए हुए बीजों से बहुत सारे फल उगाते हैं। पीलू चिड़िया उन फलों को अपने बच्चों को खिलाती है, खुद भी खाती है, जिससे वो लोग तंदुरुस्त हो जाते हैं और पीलू चिड़िया उन फलों को बेचने लगती है जिससे उनके घर में पैसे आने लगते हैं। लेकिन एक बार उनके घर के पास से वही सांप निकलता है जिसे पीलू चिड़िया ने पत्थर मारा था। तूने मुझे पत्थर मारा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वो डर के मारे कांपने लगते हैं। पीलू चिड़िया सांप से हाथ जोड़कर कहती है, लेकिन सांप उसकी एक भी नहीं सुनता और वो अपनी जीभ लपलपाते हुए आगे बढ़ता है। पीलू चिड़िया और उसका बेटा आंख बंद करके साधु को याद करने लगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही साधु आकर उनकी जान बचाए। जैसे ही सांप उनको डसने वाला होता है तभी वहां पर साधु महात्मा प्रकट होते हैं और सांप को एक डंडा मारते हैं जिससे सांप बेहोश हो जाता है। साधु महात्मा उस सांप को एक बोरे में डालकर दूर फेंक देते हैं। साधु महात्मा को देखकर पीलू चिड़िया और उसका बेटा उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें वो फलों का भोग लगाते हैं। इससे साधु महात्मा खुश होते हैं और पीलू चिड़िया और उसके बेटे को आशीर्वाद देते हैं कि वो हमेशा खुश रहें। इस तरह से मुसीबत में रह के भी दूसरों की मदद करने के कारण पीलू चिड़िया और उसका बच्चा हमेशा खुश रहने लगते हैं।